दोस्तों हम जा रहे हैं अभी त्रिवेणी घाट और सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार में नमस्कार। मेरा नाम है ज्योति कनोटिया, मेरे ब्लॉग का नाम है ज्योति कनोटिया ब्लॉग। अभी ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह की 7 बजे से। स्वागत करती हूँ आप लोगों का हरियाणा के पानीपत शहर से। मौसम की बात करें तो अभी तक तो हल्की हल्की धूप आ रखी है। दोस्तों जैसे कि आप सभी लोगों को पता होगा कि आज मैंने गांव जाना है। कल की तो मैंने पैकिंग कर रखी है कपड़ों की और थोड़ी देर में चलते हैं यहां से। और मेरे साथ ना पतिदेव भी जा रहे हैं ऋषिकेश तक, और यहां से हमने सबसे पहले पानीपत जाना है, उसके बाद हरिद्वार ऋषिकेश, यानी कि उसके बाद अपना उत्तराखंड आ गया है। तो थोड़ी देर में चलते हैं, अभी ना पतिदेव मंदिर में जा रखे हैं कुछ काम करने। तो चलिए दोस्तों यहाँ से ना हमारी जाने की तैयारी भी होने लग गई है। पतिदेव ना अभी जंदा लगा रहे हैं तो मेरा मन ना अजीब सा करने लग गया पहले से कि गाड़ी में कैसे जाऊं। जल्दी चलो। तो चलिए दोस्तों अभी शाम के 5 बज गए हैं, अभी ना हरिद्वार में पहुंच गए हैं और यहाँ से ना ऋषिकेश जा रहे हो। गाड़ी में ना मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा खराब हो रही, क्या ही बताएं। तो दोस्तों हम अभी पहुंच गए हैं ऋषिकेश में, और ये इसको देखो ये गुस्सा कर रही है मेरे बार बार। ये कह रही कि मेरे पे यहाँ बीत रही है, बीत रही। दोस्तों पता है बीत रही हुई थी, थक लगी हुई है। दोस्तों अब चलते हैं हम कमरे में, यानी कि कमरे टू। चलो दोस्तों अभी जा रहे हैं हम कमरे ढूंढने, तो देखते हैं कहाँ पर हमको कमरा मिलता है। इतनी ज़्यादा थकान लग गई है, हालत ख़राब हो गई गर्मी से भी और उल्टी से भी। ऋषिकेश में ना कमरा भी मिल गया है, तो आज रात ना यहीं पर रुकेंगे, कल ना मैं घर जाऊँगी और पतिदेव ना यहाँ से हरियाणा जाएंगे। तो थोड़ी देर तक ना आराम करते हैं, उसके बाद मिलती हूँ आप लोगों को। तो इसलिए शायद हम घूमने जाएंगे तब मिलूँगी, अगर नहीं जाएंगे तो देखते आराम करते हैं थोड़ी देर तक। तो चलिए दोस्तों थोड़ी देर तक ना यहाँ पर हमने आराम कर दिया है कमरे में, और अभी जा रहे हैं त्रिवेणी घाट। तो आप सभी लोगों को भी ना त्रिवेणी यानी कि गंगा माँ के दर्शन करवाते हैं। तो चलो चलते हैं, ये अभी तैयार हो रहे, चलो तो अंधेरा हो जाएगा। दोस्तों हम जा रहे हैं अभी त्रिवेणी घाट और यहाँ से पीछे दोस्त अभी के टाइम पर ना इतनी प्यारी ठंडी ठंडी
हवाएं चल रही है, हरियाणा में पक गई हिंदू गर्मी, इसलिए आप पकने जाएंगे कल। दोस्तों यहाँ का मौसम इतना अच्छा हो रखा है कि लगता है कि गांव में बारिश होने लगी होगी, और इतनी प्यारी सी हवा चल रही है। दोस्तों इधर साइड ना आरती स्थल है, यहाँ पर ना गंगा जी की आरती की जाती है, और अभी के टाइम पर ना यहाँ पर आरती भी हो गई है, और अभी ना कुछ भी अंधेरा का साफ नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है थोड़ा बहुत, और भीड़ ना काफ़ी ज़्यादा लगी हुई है आजकल, और गंगा जी ने आजकल पूरी मिट मेली आ रखी है, क्योंकि आजकल ना पहाड़ों में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, तो इसी कारण से ना गंगा जी में भी मिट्टी मिट्टी आ रही है। Thank you.